या हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। दीपक सर से बात हुई है, वो 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। जब तो उन्होंने कहा है कि जो असाइनमेंट उन्होंने दिया था वो कर लिया आप लोगों ने? यस सर। तो इसके अलावा आपकी आज के कल के एक दो क्लासेस और बची हुई है, तो कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वो डाउट्स निकाल लेना। और अगर वीकेंड पे आप लोग अवेलेबल हो तो एक इंटरव्यू सेशन टाइप कर लेंगे। इंटरव्यू सेशन टाइप का मतलब कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको बता देंगे। उस समय अगर उसका आंसर आपको पता नहीं होगा तो उसके आंसर्स भी आपको बता देंगे, है ओके सर। ना? तो इस बार भी मैंने महेंद्र को कहा था कि वीकेंड पे पूछ लेना अगर कितने बंदे अवेलेबल है, तो 2 जनों का यस आया था कि हम अवेलेबल है, बाकी का आया नहीं था। तो फिर इस वीकेंड पे करा नहीं था, तो नेक्स्ट वीकेंड पे करेंगे फिर अपन, ओके सर। है ना? तो दीपक सर ज्वाइन कर रहे हैं बस 2-4 मिनट में, है ना? थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, 2 मिनट में ज्वाइन कर।
हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। हाँ सर, बताइए। सर। हाँ सर, मैंने टीम को बता दिया है कि अपने एक दो सेशन बचे हैं, बाकी फिर एक वीकेंड पे एक इंटरव्यू सेशन कर लेंगे बस। ओके बाकी एक बार असाइनमेंट के लिए टीम ने एक बार देख लो। तो अपने ट्रेलर का क्या स्टेटस है? सर ट्रेलर का अपने पास जो स्टेटस जो एचआर ने शेयर करा था पुराने वाला वो है, बाकी लेटेस्ट वाला स्टेटस नहीं है फिलहाल अभी तक। वो टीम बताएगी। टीम एक बार आपका स्टेटस बता दो कि ट्रेलर में आपने कितने वो कर लिए। हाँ सर अभी तो ऑरा कंपोनेंट वाला बैच चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा सिंक्रोनस अटैक्स प्लेनेट क्लासेस जो जो हाँ सर, वो हो गए एक वाला। वो बच रहा है। ठीक है, तो किसी ने वो ट्राई किया था जो मैंने बोला था, लाइटनिंग नहीं? चलो कोई नहीं, वो कोई स्क्रीन शेयर कर लो। कोई कर रहा है या स्क्रीन शेयर? ये तो फोन से ज्वाइन कर रखा है। हाँ अच्छा, कोई और जिसने? हाँ महेंद्र आप कर लो स्क्रीन शेयर। सर, दो मिनट। मैंने क्या किया था? तो आज अपन क्या करेंगे? अपन अपेक्स क्लास को कॉल करेंगे अपने और अब। ठीक है, तो महेंद्र एक तो अपेक्स क्लास में उसका नाम दे देना, और आप एक उसका नाम आपको कुछ भी दे दो, कंट्रोलर लगा दो, और आप उन कंट्रोलर
इसके अंदर एक मेथड बनाओ सिंपल सा, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वर्ड अपने स्टैटिक वर्ड से लो और उसके अंदर एक पैरामीटर ले लो नेम। हेलो जा रही हूँ। अंदर 2 मिनट में कनेक्ट होगा तो नेटवर्क इशू होगा। Yes, sir. Yes, sir.
आवाज आ रही है? यस सर। बोला क्यों नहीं? मैं आधे घंटे से बोल रहा था। तो घंटे से बोल रहे थे आप। मैं समझा रहा था कि जब भी अपन को कोई अपेक्स साइड सर्वर मेथड को कॉल करना है ओरा से, तो वो या तो पब्लिक होने चाहिए, ग्लोबल होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए, और वो ओरा अनेबल्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो ही अपन वो मेथड को अपने ओरा कंपोनेंट से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मेथड बनाया ये देखो, तीनों ही ओरा अनेबल भी है, पब्लिक भी और स्टैटिक भी है, तो अपन इनको और अपने कंपोनेंट से कॉल कर सकते हैं। ये इंटरफेस क्या काम करता है? ये इंटरफेस अपने इस कंपोनेंट को जो लाइटनिंग का आउट ऑफ द बॉक्स फीचर है, जैसे रिकॉर्ड पेज ले आउट, होम पेज, क्विक बटन, एक्शन बटन पे अगर अपन को इसको इनबुक करना है तो अपन उसके लिए ये इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीन बटन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन बटन बनाया। तीन बटन में क्या बनाया, हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री। तो सिंपल हेलो वन में अपन ये वाला मेथड कॉल करेंगे, ये वाला, और सेकंड हेलो में अपन ये वाला, और थर्ड हेलो में अपन ये वाला। ठीक है, अब अपन को इस मेथड इसको कॉल करना है, तो अपन क्या करते हैं, इस बार कॉल अपन करते हैं लेआउट से। तो आपने ये तीन बटन बनाए जो दिख रहे हैं।
तो ये अपने बटन आ गए, ठीक है। अब इन बटनों के ऊपर कुछ नहीं होगा। अब अपन क्या करते हैं, जो अपना हैंडल क्लिक है इसको के अंदर क्या होता है कि मैं इसके नीचे एक मेथड बनाऊं, उसको कॉल करूं, ऐसा कंट्रोलर के अंदर पॉसिबल नहीं। तो ऐसे मेथड जिनको अपन को एक दूसरे से कॉल करना है, तो वो सारे मेथड अपन हेल्पर में बनाते हैं। यहाँ पे अपन पास करेंगे, ये वो पैरामीटर है जो अपन यहाँ से पास करें। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट के अंदर बाइंडिंग करनी पड़ेगी। उस कंट्रोलर बाइंडिंग के लिए अपन कैसे यूज करते हैं, और उस क्लास बनाओ अपन ने बाइंडिंग, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहला मेथड है अपना काउंट एक्शन बनाएंगे। इसके अंदर अपन सी के साथ इसके मेथड का नाम कॉल करेंगे, तो अपने मेथड का नाम क्या है, हेलो। फिर उसके बाद अपन पैरामीटर सेट करेंगे, तो एक्शन डॉट सेट पर इस परम के अंदर जो अपन ने जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे उस नेम के, तो उसमें क्या दिया है अपन ने, नेम। तो जो नाम यहाँ है वही नाम अपना यहाँ है, ठीक है। फिर एक कॉल में बनाएंगे,
ठीक है, यहाँ से अपन इसको इन्वोक करेंगे, इन्वोक करने के लिए डॉट इन क्यू और एच। ठीक है, अब इसको अपन कॉल कर सकते हैं यहाँ से कि हेलो विंडो मेरा हेल्पर का कौन सा मेथड, ये वाला मेथड कॉल है और इसके अंदर अपन ने एक पैरामीटर भेजा क्या फॉर्म कॉल आएगा। ठीक है, अब अपन एक बार इसको देखते हैं। तो अपन ने रन किया बस कुछ हुआ नहीं। अगर से अपन ये देखते हैं कि इसको ट्रेस करना हो या कुछ करना हो तो अपन टी बगर यूज कर लेते हैं। टी बगर करते ही अपना उस लाइन पे स्टॉप हो जाता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास क्यों नहीं आ रहा। सबसे पहले अपन स्टेटस चेक करते हैं तो ये मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है, तो स्टेटस की जगह क्या होगा, स्टेट होगा। क्या अपने पास रिस्पॉन्स और रिटर्न वैल्यू आ रही है या अपना सर्वर से रिस्पॉन्स है।
get return value of state, get state. यार ये है ये अपना होगा तो, लेकिन अपना अलर्ट नहीं आया। ठीक है, तो अलर्ट अपना जब भी अपन लाइटनिंग यूज करते हैं तो नहीं आता, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो अपने पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर है उसको यूज करेंगे। लाइटनिंग डेवलपर कंपोनेंट सर, वो क्या होता है नोटिफिकेशन लाता ना अपन, क्या बोलते हैं उसको सर, वो उसको फायर करते हैं वो टोस्ट इवेंट, राइट? टोस्ट इवेंट नहीं, वो करता है ना अपन, नाम भूल गया मैं, नोटिफिकेशन आता है ना, जॉब बहुत यूज करते हो टोस्ट। हाँ तो टोस्ट इवेंट तो बता ही रहा हूँ सर मैं आपको, मैं सर पोस्ट नहीं टोस्ट इवेंट बोल रहा हूँ, तो ये टोस्ट इवेंट है अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब अपन को इसको यहाँ से कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे अपन बना लेंगे करंट, उस करंट के अंदर अपन क्या कर देंगे, दिस सेट कर देंगे और यहाँ से अपन नीचे वाले मेथड की कॉलिंग करेंगे करंट डॉट मेथड का नाम। Thank you.
सर मैसेज क्यों नहीं आ रहा मेरे? ये भी सही है, इसके अंदर भी जा रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है। आरईटी वाला भी करने में चले गए सर अब। ये सक्स सर, इसमें वो सेट करना पड़ेगा, वो ग्रीन कलर में नहीं आया था। तो ये अपना रिस्पांस आ गया, हेलो राकेश, ठीक है। और ये अपना मेथड हेलो वन से है। अब अपन को हेलो टू वाले मेथड कॉल करना है, जिसके अंदर अपन ने क्या करना है, ये बना रहा है, तीन पैरामीटर भेजे हैं और एक मैप ऑफ भेजा है। तो पहले तीन पैरामीटर वाला तो जब भी तीन पैरामीटर है तो यहाँ से इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर मेन नहीं होता यहाँ पे, हमेशा मेन होता है पैरामीटर नेम। जो नेम आपने यहाँ दिया है वही नेम के थ्रू आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अपन को कॉल करवाना है इनसे। और तीसरा भी कॉल करवा लेते हैं, जिसमें अपन क्या भेजेंगे, मैप भेजेंगे बना। ये अपना दूसरा मेथड कॉल हो गया और ये अपना तीसरा मेथड कॉल हो गया।
ठीक है। अब अपने पास ये जो रिस्पॉन्स आया है, इस रिस्पॉन्स को अपन को यूआई पे दिखाना है। सिनेक्स तो यूआई पे दिखाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा और एट्रीब्यूट। और यहाँ पे अपन को सेट करना है। गरम गरम चाहिए बाद में ना। अपना सेट हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से पे अपन ने और मेथड को कॉल करना सीखा, हेल्पर को यूज करना सीखा, साथ में अपन ने सेट करना सीखा। ठीक है, तो इसमें किसी को किसी डाउट है कुछ? हेलो हेलो टीम, आप दीपक सर को रिस्पांस दिया करो प्रॉपर। जो कुछ पूछना है ठीक है। हाँ सर, हेल्पर बता दिया और मेथड बता दिया, इसके अलावा एक सीएसएस बचता है वो अपन कल बता देंगे। ठीक है सर। एंड टीम, कल शायद आपका लास्ट सेशन रहेगा, फिर एक वीकेंड पे सेशन करेंगे, इंटरव्यू सेशन है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप या तो कोशिश करें कि कल ही पूछ लीजिए, या लास्ट फिर एक सैटरडे या संडे में कोई एक सेशन कर लेंगे, उसमें पूछ लीजिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक्स एवरीवन।